कि 10 साल से भी छोटी उम्र में न्यूटन ने अपनी माँ और सौतेले पिता को उनके घर समेत जिंदा जलाने की धमकियां दी थी। ऊपर से न्यूटन जिसने 1665 में 22 साल की उम्र में मैथमेटिक्स के एक कम्प्लीटली नए नवेले ब्रांच यानी कि कैलकुलस को ईजाद किया था सिर्फ ग्रेविटी को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए, वो लोगों को अमर बनाने वाले फिलोसोफर स्टोन के पीछे भी पड़े थे। तो क्या ये सब इस बात की तरफ इशारा नहीं करते कि न्यूटन एक स्कॉलर नहीं बल्कि एक साइकोपैथ थे? जो क्लासिकल फिजिक्स का फाउंडर माना जाता है वो ऐसे काले जादू जैसे करतूतों में भी कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है? बट वेट, न्यूटन जिन एंशियंट एल्केमिक काले जादू की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे वही तो आज मॉडर्न केमिस्ट्री में इवॉल्व हुआ है। तो क्या वो सिर्फ उन एंशियंट प्रैक्टिसेस के पीछे का साइंस जानने के लिए उन्हें फॉलो कर रहे थे? वेल, ऐसे कुछ माइंड ब्लोइंग सवालों के साथ कुछ गहरे अनसुलझे राज न्यूटन की जिंदगी में हम आज जानेंगे इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड द सीक्रेट लाइफ ऑफ आइजैक न्यूटन। साल 1643 यानी वो साल जहां एक तरफ फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो इटली में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैलीलियो की मौत के 4 दिन पहले इंग्लैंड में एक दूसरा एस्ट्रोनॉमर बस अपनी पहली सांसें ले रहा था। और फिर आया January 4, 1643 जब हैना आइसकॉफ न्यूटन नाम की एक विधवा माँ ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उसने रखा उसी बच्चे के मृत पिता के नाम पर आइजैक। बच्चे का नाम था आइजैक न्यूटन। ये वो बच्चा था जो आने वाले कुछ साल में दुनिया का सूरज सितारों की तरफ देखने का नजरिया ही बदलने वाला था। मगर कैसे, आखिर क्या था इस बच्चे में खास? वेल, आइए जानते हैं। आइजैक न्यूटन के माता पिता की शादी अप्रैल 1642 में हुई थी और उनकी शादी के बस 6 महीने के अंदर ही आइजैक न्यूटन के पिता की 70 साल की उम्र में मौत हो गई। इसीलिए आइजैक की माँ जो उस वक्त गर्भवती थी उसने अगले 3 से 4 साल तक ही आइजैक की देखभाल की और उसके बाद उसे उसके नाना नानी के पास छोड़कर एक अमीर चर्च प्रतिनिधि रेव स्मिथ से शादी करके चली गई। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही माँ और बाप दोनों का साया सर से हट जाने के चलते आइजैक बचपन से ही अकेलेपन की चादर में लिपट कर सोने लगे। लेकिन जब आप जिंदगी में अकेले होते हो ना तो आप 2 दिशाओं में अपना कदम बढ़ा सकते हो। या तो आप गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन के चलते कोई गुनाह कर बैठोगे या तो उस पर विजय हासिल करके कामयाब होने पर फोकस करोगे। और न्यूटन ने दोनों ही किया। आज यूके के फिट्ज़विलियम म्यूजियम में मौजूद न्यूटन की लिस्ट ऑफ सिंस ये बताती है कि न्यूटन ने अपनी माँ और सौतेले पिता को घर समेत जिंदा जलाने की धमकियां दी। वो अलग बात है कि उसने ऐसा किया नहीं और ना ही। तो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, फाइनली अपने इस अकेलेपन की खाली बस्ती को भरने के लिए आइजैक ने अपने ख्यालों का सहारा लिया और अपने एग्रेशन को साइंस की तरफ डाइवर्ट किया जिससे पूरी दुनिया कुछ समय के बाद उसके इंटेलेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी जस्ट लाइक ग्रेविटी। पर इस ग्रेविटी की खोज करते वक्त क्या सच में न्यूटन के सर पर कोई एप्पल गिरा था या बस वो एक अफवाह थी जो सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है? Well, साल 1661 में आइजैक ने एक नॉर्मल स्टूडेंट के जैसे अपना हाई स्कूल एजुकेशन पूरा करके बीए की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था जहां उसने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ अपने समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, डिकार्टे, गैलीलियो और केपलर इन सभी के दिमागों को जैसे पानी में खोल कर पी लिया। लेकिन इतना मैथ्स और साइंस पढ़ लेने के बाद जो न्यूटन का दिमाग अब ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा था ना, उसे न्यूटन कंट्रोल कैसे करता? इसीलिए साल 1666 में पूरे इंग्लैंड में जब ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई और न्यूटन को 18 महीने के लिए कैम्ब्रिज छोड़कर वापस घर लौटना पड़ा तब उन्होंने अपने आंगन में बैठकर ग्रेविटी की डिस्कवरी की। पर उस तरह से नहीं जैसे हमें आज तक सिखाया गया है बल्कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद से। प्लेग के वक्त जब न्यूटन अपने घर के आंगन में लगे एक एप्पल ट्री के नीचे बैठकर अपने ख्यालों को पंख लगा रहा था तभी ग्रेविटी का एहसास कराने के लिए उसके पास एक एप्पल आकर गिरा। पर क्या बस एक एप्पल नीचे आकर गिरा और उसे ये पता चल गया कि भाई ग्रेविटी है? जी नहीं, वो बड़े बड़े धुरंधरों का दिमाग चूस कर बैठा था भाई। अगर कोई ऐसा ही लुक्खा या बचकांड होता तो ये चीज उसके ऑब्जर्वेशन में भी नहीं आती और साइंटिस्टों के पास लेके जाता तो कोई इसका विश्वास भी नहीं करता। और इसीलिए अपने इस क्लेम को वेरीफाई कराने के लिए न्यूटन ने दिमाग में एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उसने इमेजिन किया कि एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ी सी तोप लगी हुई है और उसमें से बारूद गोले फायर हो रहे हैं। उसने अंदाजा लगाया कि जब भी कोई बारूद गोला कम स्पीड से शूट किया जाएगा तो वो एक पैराबोला पाथ में उड़ने के बाद नीचे गिर जाएगा। लेकिन
वहीं अगर हम उस गोले को कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करते जाए तो एक टाइम के बाद वो हमारे चांद की तरह पृथ्वी के ऑर्बिट में सेट हो जाएगा और बिल्कुल चांद की तरह हमारे चक्कर काटता रहेगा। यानी एक फोर्स हर चीज को पृथ्वी की तरफ खींचती होती है, मगर किसी चीज को इस फोर्स के विपरीत हवा में बने रहने के लिए कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करते रहना पड़ता है। इस फोर्स जो हर चीज को पृथ्वी की तरफ खींच रही है वो न्यूटन ने नाम दिया ग्रेविटी। लेकिन क्या ये ग्रेविटी सिर्फ पृथ्वी के ही पास है या सभी सेलेस्टियल बॉडीज के पास भी होती है, ये कैसे पता चलेगा? तो यार 1666 में अपनी प्लेग की छुट्टियां काटने के बाद जब न्यूटन वापस अपनी एमए की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज लौटा, तब वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होने के बजाय एक ट्रिगरिंग इंसिडेंट के चलते रिलीजियन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, जिसे हम थोड़ा सा अलग से आगे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जो चौंकाने वाली बात थी ना, वो ये थी कि अगले ऑलमोस्ट 14 से 15 सालों तक न्यूटन बाइबल में ही डूबा रहा, इस बात से अनजान कि कभी ना कभी दूसरे साइंटिस्ट्स भी ग्रेविटी की खोज कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ भी। उस समय के ज्यादातर फिजिसिस्ट ने 1680 तक ग्रेविटी के बारे में अंदाजा लगा लिया था और बस उसे मैथमेटिकली प्रूव करना ही बाकी था। उन्हीं फिजिसिस्ट्स में एक और एक नाम शामिल था जो न्यूटन का पुराना दोस्त था, एडमंड हेली। एक रोज न्यूटन जब हमेशा की तरह अपनी धार्मिक दुनिया में खोया हुआ था, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपने पुराने दोस्त एडमंड हेली को अपने सामने खड़ा हुआ पाया। हेली ग्रेविटी को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए न्यूटन की मदद चाहता था, क्योंकि उसे पता था इस कॉम्प्लेक्स चीज को सिर्फ न्यूटन ही सॉल्व कर सकता है। पर न्यूटन के दिमाग में तो अलग ही आग लगी पड़ी थी। 15 साल पहले जिस ग्रेविटी का अध्ययन उसने अपने घर के आंगन में बैठकर किया था, उस ग्रेविटी की सफलता का सेव कोई और ही चखने वाला था। न्यूटन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और उसे अपने वेस्टेड इयर्स का एहसास होने लगा। पर तभी एक उम्मीद की किरण लेकर आई द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680। नवंबर 1680 में एक बहुत ही ब्राइट कॉमेट पृथ्वी के पास से होकर गुजरा था, जो 19 नवंबर के दिन सुबह 4:30 बजे पहले कैम्ब्रिज के लोगों को दिखाई दिया और फिर 5 बजे बोस्टन इंग्लैंड के लोगों को दिखाई दिया और फिर करीब 10 दिनों तक पृथ्वी के अलग अलग जगहों से दिखाई दिया, जिसके बाद वो सूरज के पीछे मानो गायब ही हो गया। पर फिर उसी साल दिसंबर 1680 में एक और एक कॉमेट सूरज के पीछे से निकला और मार्च 1681 तक पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने लगा। न्यूटन ने सोचा कि हो ना हो ये दोनों सेम ही कॉमेट है जिसके पैथ को सूरज ने अपनी ग्रेविटी की मदद से बेंड करके वापस भेजा है। और बस यही वो ख्याल था जिससे न्यूटन को ये पता चला कि ग्रेविटी यूनिवर्सल होती है, और उसने मैथमेटिकली उसे प्रूफ करके अपनी 1687 में पब्लिश हुई किताब फिलोसोफे नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, यानी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी में छाप भी दिया। लेकिन अब आई एम श्योर बहुतों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई जब 1680 में सिर्फ किसी ने उसे थोड़ा सा ट्रिगर किया तो उसने 1687 तक ग्रेविटी को मैथमेटिकली प्रूफ करके छाप भी दिया, तो फिर वो क्या वजह थी कि उसने 1665 के बाद अपनी जिंदगी के 14 से 15 साल अपने आप को दुनिया से काट कर एक बंद कमरे में बाइबल और दूसरे धार्मिक जादू टोना की किताबें पढ़कर बिताई? तो यार इसका भी रीजन एक ट्रिगर ही था, क्योंकि एक रफ चाइल्डहुड के कारण न्यूटन बचपन से ही काफी ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव थे, जिसकी वजह से वो क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते थे। इनफैक्ट उन्होंने अपनी कई सारी डिस्कवरीज तो क्रिटिसिज्म के डर से ही कभी पब्लिश ही नहीं की, जैसे कि कैलकुलस, जो हम सब आज के तारीख में 11th और 12th में पढ़ते हैं। सो आखिर क्या हुआ था 1665 के प्लेग के बाद और क्यों उसने साइंस को ऑलमोस्ट छोड़ दिया? Well, 1666 में प्लेग के खत्म होते ही कैम्ब्रिज फिर से शुरू हो गया और न्यूटन ने 1668 तक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। लेकिन न्यूटन के लाइफ का एक नया कीटाणु उसकी जिंदगी में कदम रखने ही वाला था। कीटाणु और सेल्स को पहली बार ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिसका नाम आपने बायोलॉजी में जरूर सुना होगा। न्यूटन अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसी रॉयल सोसाइटी का मेंबर बन गया था, जिसमें रॉबर्ट हुक एक एक्सपेरिमेंटल क्यूरेटर के तौर पर काम करते थे। ये संस्था बेसिकली इंग्लैंड के बड़े बड़े साइंटिस्टों का एक ग्रुप था जो साइंस से संबंधित खोज आपस में डिस्कस करते थे। मैं रॉयल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। न्यूटन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होने के कारण इन साइंटिस्टों के बीच अपनी भी पहचान बनाना चाहते थे, और इसीलिए 1671 में उसने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम से छुपाकर रखे हुए डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट का पेपर फाइनली रॉयल सोसाइटी के सामने रखा। अब तक जो साइंटिस्ट ये सोचते थे कि व्हाइट लाइट प्योर होती है और अन्य कलर्स बनाने के लिए आपको उसे मॉडिफाई करना पड़ता है, वो न्यूटन की इस डिस्कवरी से शॉक्ड हो गए थे कि व्हाइट लाइट प्योर नहीं है बल्कि 7 रंगों का एक मिक्सचर होती है सिवाय एक के,
जो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कुछ हद तक थ्री इडियट्स के चतुर की तरह थे, जिसे कोई उससे आगे जाए ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने न्यूटन के एक्सपेरिमेंट को गलत साबित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी, जिससे न्यूटन और हुक के बीच एक लिखित युद्ध आरंभ हो गया। इस इंसिडेंट के बाद वैसे तो अन्य साइंटिस्टों का न्यूटन पर विश्वास बना रहा, मगर उन्होंने खुद ने जाने अनजाने में खुद का विश्वास ही खो दिया था, क्योंकि न्यूटन ने पहली बार अपनी कोई खोज कॉन्फिडेंटली किसी के सामने रखी थी, लेकिन उसके बदले में उन्हें मिला क्या? सिर्फ साइंटिफिक बैशिंग। आखिर इस सब से तंग आकर उन्होंने अपने आप को अपने कमरे और ख्यालों की चार दीवारों में कैद कर लिया और तसल्ली के लिए बाइबल पढ़ना शुरू कर दिए। पर उनका कभी ना शांत बैठने वाला क्यूरियस दिमाग उस पर भी सवाल उठाने लगा। न्यूटन ये मानने लगे थे कि क्रिश्चियंस के होली ट्रिनिटी यानी फादर जो कि गॉड है, सन जो जीसस है और दी होली घोस्ट कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी चर्च ने 4th century AD में शुरू किया एक फरेब है, जिसे वो चर्च अपना औदा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब बंदे की हिम्मत देख रहे हो, जो कैम्ब्रिज में लुकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पर काम कर रहा था, जिसे ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ साथ ट्रिनिटी चर्च के प्रीस्ट के तौर पर भी देखा जाता था, वो खुद ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर रहा था, क्योंकि न्यूटन अब यूनिटेरियनिज्म में बिलीव करने लगे थे, यानी देयर इज ओनली वन सुप्रीम गॉड और कोई नहीं। अब फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, पता नहीं क्यों उस वक्त इस बिलीव को मानने वाले ज्यादातर एल्केमी या क्रिश्चियंस के हिसाब से तोना तोटका किया करते थे, ताकि फिलोसोफर स्टोन या पारस पत्थर बना सके। माना जाता था कि ये पत्थर अगर एक बार बन जाए तो किसी भी साधारण मेटल को सोने में बदलने की ताकत रखता था, और अगर किसी इंसान ने इसकी पाउडर पानी में घोलकर पी लिया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। आई नो ये हजम करना बेहद ही मुश्किल है आज के सदी में, कि जो बंदा दुनिया भर के लाखों करोड़ों उभरते साइंटिस्टों के लिए एक मिसाल है, वो असल में एक फिक्शनल मिथिकल पत्थर बनाने में इन्वॉल्व था। अब न्यूटन असल में ऐसा कोई इंसानों को अमर बनाने वाला पत्थर बना पाया था या नहीं ये तो पता नहीं, मगर अपनी सेहत को नजरअंदाज करने के कारण साल 1727 तक उसके ब्लैडर में एक पत्थर जरूर बन गया था, जिसने उसी साल 31 मार्च के दिन उसकी जान ले ली। वेल फ्रेंड्स, ये सब कुछ बस यही चीज बताता है कि सोसाइटी में क्या चलता है, उस चीज का हमारे दिमागों पर क्या असर पड़ता है। आई मीन, एक साइंटिस्ट जब कुछ ऐसी फिक्शनल और काल्पनिक कहानियों में विश्वास कर सकता है, तो सोचो आम जनताओं का क्या हालत होता होगा। वेल, ये सब सुनकर वैसे तो कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा कि न्यूटन एक इंटेलिजेंट साइकोपैथ था। वेल फ्रेंड्स, अब इसमें से कुछ कहानियां सुनकर वैसे तो कई लोग ये सोचेंगे कि ये इंसान सच में कोई इंटेलिजेंट साइकोपैथ था, पर क्या सच में ऐसा ही? जरा इसे पढ़ो, रॉयल सोसाइटी द्वारा न्यूटन के बिहेवियर पर लिखे गए ऑफिशियल ब्लॉग का एक पीस है, जिसमें एस्पर्जर सिंड्रोम के लक्षण बताए गए हैं। रॉयल सोसाइटी का मानना है कि न्यूटन का बिहेवियर एस्पर्जर सिंड्रोम के मरीजों से बेहद मिलता जुलता था। वेल, अब इस विषय में आपकी क्या राय है? एस्पर्जर सिंड्रोम एक तरह का ऑटिज्म है, जो एक इंसान को सोशली काफी ऑकवर्ड बना देता है। इसी के साथ ऑब्सेसिव और रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न्स भी इसका एक सिम्टम है। वेल, हो सकता है कि रॉयल सोसाइटी की बात सच हो, क्योंकि न्यूटन के लाइफ के बारे में जान के काफी वियर्ड चीजों के बारे में पता जरूर चलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि न्यूटन जब मरे थे तब वो एक्चुअली में एक वर्जिन थे, यानी कि उनके लिए रिलेशनशिप्स बनाना थोड़ा कठिन हुआ करता था। बट नेवरदलेस ही वाज स्टिल अ जीनियस ऑफ हिज एज, जिसके वजह से आज हमारी दुनिया इतनी एडवांस्ड शायद नहीं होती। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है न्यूटन की लाइफ पर? क्या आपको इनकी लाइफ से